चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ? आज है शरद पूर्णिमा, वो भी मेरी फर्स्ट है, शादी की पहली शरद पूर्णिमा। तो सभी के लिए शरद पूर्णिमा बहुत बहुत दिल से बधाई हो। और बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बहुत टाइम लग गया मुझे ये सोचने में मैं कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी चूड़ी पहनूं। पहले मैंने चूड़ियाँ पहनी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, उसके बाद फिर मैंने ये कंगन पहने। देखिए मेरी चूड़ी के कंगन है, बहुत प्यारे लगते हैं मेरे लिए, तो मैंने ये पहन लिया। तो आज कुछ नहीं खाना है, ओनली एक लड्डू मिलेगा, उसी में मुझे पूरा दिन और रात निकालनी है। मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, बट मुझे भूख बर्दाश्त करनी होगी। अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। और अभी करवा चौथ आ रही है 1 नवंबर की, तो उसमें भी मुझे भूख का रहना पड़ेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रहूँगी और मुझे रहना है। तो फ्रेंड्स, मम्मी बना रही हैं खोए के लड्डू, जो कि आज की पूजा में मेन होते हैं। इन्हीं के लड्डू बनते हैं खोए के, वो भी 6 बनते हैं। इस बार मेरे लड्डू नहीं बनेंगे क्योंकि मेरी पहली शरद पूर्णिमा है, अगली बार से मेरे लड्डू बनेंगे। और इस बार मम्मी मेरे को देंगी लड्डू जो कि सखी के तौर पे दिए जाते हैं, फ्रेंडशिप के तौर पे तो माना जाता है, एक दूसरे को फ्रेंड बनाया जाता है। तो इस बार मम्मी मुझे देंगी और मैं उनको दूँगी अगली बार। तो अब मैं निकल ली है साड़ी चेंज, मैं सुबह पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, तो अब पूजा होने वाली है तो मैं चेंज करने के लिए रूम में आ गई हूँ। तो मैंने रेड साड़ी पहन ली है, कैसी लग रही हूँ मैं? तो अब लग गई है पूजा की तैयारी यहाँ पर। तो मम्मी की सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं, हर बार आती हैं वो घर पर पूजा करने के लिए। तो सभी के पैरों पर माहौल लग रहा है अभी। यहाँ पर सभी के लड्डू रखे हुए हैं और लड्डू गोपाल जी की आज पूजा होती है, तो सभी की थालियों में 6-6 लड्डू हैं। तो ये भाभी की चल रही है पेंटिंग अपने पैरों पे? नहीं नहीं, ये पेंटिंग नहीं है, ये माहौर है जो हर पूजा में माहौर लगाया जाता है, जो कि आपको ये करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो मुझे टाइम लगता है। लड्डू गोपाल जी को सिंदूर पर से लगा दी मेरी। अरे लड्डू गोपाल को लगा सिंदूर लगा नहीं। घर में पूजा हो या कुछ हो, भाभी के मस्ते ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इनको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था, ये बार बार उस छोटी सी बच्ची को ऐसे खिलाई जा रही थी। वो बहुत क्यूट क्यूट सी लग रही थी मेरे लिए, इस वजह से। हाँ, अभी इनको चावल देंगे तो भी फिर खिलाएंगे उसको। हाँ ना, बहुत प्यारी बच्ची है वो। हाँ, मुझे बहुत क्यूट लगती है वो। हेलो गाइस, तो अब हो गई है शाम, मैं भी सो गई थी तो मैं भी उठी हूँ। और आज ओनली मिलना है एक लड्डू खाने के लिए, और कुछ नहीं मिलना है खाने को, सीधा सुबह मिलेगा खाना। अभी से मेरी करवा चौथ की प्रैक्टिस चल रही है, जैसे कि आज कुछ खाने को नहीं मिला है तो बस पानी पी रहे हैं, चाय और एक लड्डू ओनली। बट करवा चौथ को कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो आज से मुझे लग रहा है कि करवा चौथ पे कैसी हालत होने वाली है। तो मैं उस दिन पूरे दिन दिखाऊंगी कि मैं कैसे रह रही हूँ पूरा दिन, मेरा कैसे टाइम निकलता है। सो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।